होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसमें बहुत सारी चीज़ जाएगी, बहुत सारा चिकन जाएगा, जिससे खाने में मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने 4 आलू थे, इसको पील करके मैंने फ्राइज बना लिए कटर से, और इसको मैं चिल्ड वाटर में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी, ताकि इसका जितना भी स्टार्च होगा आलूओं का वो सारा निकल जाएगा और बहुत क्रंची से हो जाएंगे आलू। इतनी देर में हम एक पैन के अंदर 1 जग पानी डालते हैं इसको बॉयल आने तक, और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो आलू डाल के इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ब्लांच कर लेंगे। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे और बहुत ही मज़े की। ओवन में नहीं बनाएंगे इसको, पैन में बनाएंगे। देखिए, मैंने ड्रेन कर लिए थे इसको और इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा निकाल दिया था, ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस कम हो जाए, और इसको इसको टिश्यू टॉवल पे फैला देंगे, ताकि जितना भी इसका मॉइस्चर बाकी होगा वो सब खुश्क हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऊपर भी हम टिश्यू की टॉवल लगा के डैम्प कर लेंगे, ताकि जो है जितना मॉइस्चर बचेगा वह इसका सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वरना जब हम बनाएंगे तो बहुत सॉगी से हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में गेस्ट आए पहले से सारी प्रिपरेशन करके रख लें और उसके बाद उसको उस वक्त सर्व करें, बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, इवन बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसको जो है आप चाहें तो किसी जिपर बैग में करके फ्रीज़र में रख दें, या मैं इसको ट्रे के अंदर इस तरह से फैला दे रही हूँ। उस वक्त मेरे पास कोई बैग नहीं था, तो मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है, और चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट के रखी है, इसमें डाल के इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन। आप चाहें तो अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है, आपके मेहमान आ रहे हैं कुछ है, तो आप ओवरनाइट बना के इसको रख सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर। अब ये चिकन मैंने जो मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड कर रही हूँ, उसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको गला लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 3-4 मिनट वॉच किया करें, फिर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। इसको 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था, ताकि चिकन हमारे अच्छे से हो जाए। देखें, हो गई है। इसका जो है जो बड़े बड़े पीस हैं, इसको मैं थोड़े से इसको तोड़ लूँगी चम्मच से इसी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कुछ पीस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। बहुत सिंपल होती है, इतनी आसान, और यकीन माने आप इसको स्टार्टर्स के तौर पे साइड डिश में रखेंगे, दावत में भी रखें, वैसे कोई आ जाए आपके यहाँ चाय के ऊपर तो आप इसको रखें, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। ये देखें, अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से फ्राइज बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बाद में इसको हम पैन में असेंबल करेंगे। ये देखिए, फ्राइज में इसको तलूंगी। फ्राइज हम 2 दफा में तलेंगे, 1/2 हम तलने के बाद इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है 5 मिनट के रेस्ट देंगे, फिर हम इसको दोबारा तलेंगे। इससे फ्राइज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, एक पैन में मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। ये अब मैं इसके अंदर फ्राइज स्प्रेड कर दूंगी नीचे, सबसे नीचे,
थोड़ी सी इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। मैं चेडर चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। मोज़रेला से आपका एक पिज़्ज़ा वाला टेक्सचर आ जाता है। अब ये मैंने मायोनीज और केचप और इसके अंदर मस्टर्ड सॉस मिक्स करके मैंने बनाया हुआ था डिप, इसको मैं लगा रही हूँ। अब ये चिकन ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और ये इसके ऊपर मैं एक दफ़ा और सॉस स्प्रेड कर दूँगी। अब इसके ऊपर हम अच्छे से बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पैन मैंने गरम करके रखा हुआ है, गरम है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम बहुत स्लो सी है। हल्के से मैंने इसके अंदर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर थोड़े से स्प्रेड कर दिए हैं ताकि ज़रा खूबसूरती लगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी मिर्च हल्की सी स्प्रेड करी है ऊपर। ये देखें हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज बिल्कुल तैयार है। कितने ज़बरदस्त से कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।